गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने डेड लोड, लाइव लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टील रूफ ट्रस का, वो हम लोग ने समझाया, मैंने समझाया था आप लोग को। आज हम लोग को विंड लोड कैसे कैलकुलेट करना है स्टील रूफ ट्रस का, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और आप लोग भी लिखते जाना तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन था वो मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में लिखाया भी था और वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग विंड लोड कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में मैंने समझाया है, समझा रहा हूँ आप लोग को। और अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा अगला जो वीडियो है उसके अंदर एक बार स्टेप वाला जो वीडियो है वो देख लो, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विंड लोड कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने स्टेप्स आप लोग को लिखा है ऑलरेडी, क्लियर। तो आज हम लोग विंड लोड कैलकुलेट करेंगे। विंड लोड के अंदर ये जो मेरा क्वेश्चन था जो मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ वो यही है। और इसके अंदर मैंने डेड लोड और लाइव लोड ऑलरेडी फाइंड करके दिखाया है। आज हम लोग विंड लोड कैलकुलेट करेंगे। और विंड लोड के लिए कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को कौन से डेटा चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए आप लोग को लोकेशन। और लोकेशन आप लोग को दे दिया है, देखो क्वेश्चन के अंदर लोकेशन दिया है आनंद करके, लोकेशन दे दिया है, क्लियर। फिर यहाँ पे परमिएबिलिटी करके लिया है, परमिएबिलिटी है 18% आप लोग को दे दिया है, क्लियर। फिर लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर है वो आप लोग को दे दिया है 50 ईयर्स, क्लियर। और टेरियन कैटेगरी है वो है हमारी 2 एंड क्लास बी स्ट्रक्चर बोला है। और दूसरी चीज दिया है यहाँ पे हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो 10 मीटर है, क्लियर। एंड K3 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे दे दिया है, क्लियर। इतनी चीज़ आप लोग को दे दिया है। अभी कैलकुलेशन कैसे करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मैंने आप लोग को स्टेप में बताया था, तो आप लोग IS कोड लेके बैठना है। IS कोड IS 875 Part 3 जो हमारा कोड है वो कोड लेके बैठेंगे। तो आप लोग को पेज वाइज मैंने दिखाया है, वो दिखाता हूँ फिर से एक बार, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो IS 875 Part 3 इसके अंदर सबसे पहले विंड लोड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विंड लोड का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू CPE माइनस CPI A इंटू PZ, क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है वो मैंने कहाँ से लिखा है, तो यहाँ पे बाजू में लिख देना है IS 875 Part 3 पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है, क्लियर। तो ये हमारा पेज नंबर 13 है दिया हुआ है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे CPE क्या है, CPI क्या है, A क्या है, PZ क्या है, वो सब मैंने आप लोग को अगले लेक्चर में समझाया है। यहाँ पे जो एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है, तो ये जो एरिया होता है वो स्लोप एरिया होता है। कौन सा होता है, स्लोप एरिया, जो मैंने प्राइमरी कैलकुलेशन के अंदर ऑलरेडी डिराइव किया है। और CPE मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशियंट, CPI मीन्स इंटरनल प्रेशर कोफिशियंट, एंड PZ मतलब डिजाइन विंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, PZ फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो PZ फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला है 0.6 VZ² ये जो फॉर्मूला है वो पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है, क्लियर। अभी VZ, उसके अंदर VZ मतलब क्या है, तो VZ मतलब होता है डिजाइन विंड स्पीड, क्लियर। तो डिजाइन विंड स्पीड इसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे है, पेज नंबर 8 पे है। आप लोग देखते जाना तो आप लोग को समझ में आएगा पेज नंबर 8 पे क्या है। तो VB K1 K2 × K3, क्लियर। अभी मुझे VZ अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, VB चाहिए, K1 चाहिए, K2 चाहिए और K3 वैल्यू चाहिए। K3 की वैल्यू आप लोग को 1 दे दिया है, तो अभी आगे मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले VB। तो VB कहाँ से फाइंड आउट है, तो VB का मतलब होता है बेसिक विंड स्पीड। और बेसिक विंड स्पीड के लिए आप लोग को डिपेंड करता है वो लोकेशन के ऊपर, किसके ऊपर, लोकेशन के ऊपर। और लोकेशन आपको यहाँ पे दिया है आनंद, क्वेश्चन के अंदर आप लोग को लोकेशन दिया है आनंद, नियर बाय वडोदरा। अभी आप लोग पेज नंबर 53 पे जाके देखेंगे तो लोकेशन के अंदर आनंद नहीं दिया है। तो आनंद नहीं दिया तो हम लोग को कौन सा लोकेशन लेना है, तो अगर मुझे लोकेशन नहीं दिया होता है तो आप लोग को क्या करना है, उसके नियर बाय एरिया का लेना होता है।
आनंद के नियर बाय आप लोग को दिया है वडोदरा, तो मैं यहाँ पे किसका लोकेशन लूंगा, वडोदरा वाला। तो यहाँ पे वेजिक विंड स्पीड वीबी का हम लोग का जो आएगा, वीबी इज इक्वल टू आएगा 44 मीटर पर सेकंड फॉर वडोदरा। यहाँ पे मैं किसका ले रहा हूँ, वडोदरा का ले रहा हूँ। क्लियर, ये बेसिक विंड स्पीड है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये मेरा कोड है, आईएस कोड है। क्लियर, अभी आईएस कोड के अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखना है पेज नंबर 53 पे, जैसे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ अभी, पेज नंबर 53 निकालेंगे आप लोग, ये रहा देखो यहाँ पे आनंद आप लोग को दिखे, एक एबीसीडी के हिसाब से ही है, अल्फाबेटिक के हिसाब से। देखो यहाँ पे आनंद करके कोई है नहीं, तो अभी आप लोग को क्या करना है, वडोदरा नज़दीक के एरिया का वडोदरा है, तो यहाँ पे वडोदरा का देखेंगे आप लोग। तो देखिए ये वडोदरा के लिए कितना है, 44। क्लियर, तो मैंने यहाँ से लिखा है 44। क्लियर, अभी नेक्स्ट चीज आप लोग को, नेक्स्ट चीज आएगी K1, और K1 के लिए आप लोग को जाना है पेज नंबर 11 पे। कहाँ पे जाना है, पेज नंबर टेबल नंबर 1 में। क्लियर, पेज नंबर 11 टेबल नंबर 1। क्लियर, ये हमारा पेज नंबर 1 है। अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हमारा VB मिल गया। अभी K1 मतलब क्या होता है हमारा, तो रिस्क कोफिशियंट, क्या होता है हमारा, रिस्क कोफिशियंट। क्लियर, रिस्क कोफिशियंट। अभी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है जैसे मैंने स्टेप में बताया था, VB के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन VB एंड लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे VB और लाइफ, लाइफ आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया है कि 50 ईयर्स हमारी लाइफ है और हमारा जो VB है वो 44 मीटर पर सेकंड आया है। तो इसको मैं कहाँ पे देखूंगा, तो ये हम देखेंगे पेज नंबर 11 टेबल नंबर 1 के अंदर। क्लियर, अभी K1 के लिए आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये हमारा टेबल नंबर 1 है, पेज नंबर 11 टेबल नंबर 1 स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। क्लियर, अभी मुझे कहाँ पे देखना है, तो सबसे पहले तो आप लोग को देखना है 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स कहाँ पे है, तो देखो ये रहा हमारा 50 ईयर्स, और हमारा जो विंड स्पीड, बेसिक विंड स्पीड आया वो कितना है हमारा 44। तो यहाँ पे 44 का कॉलम और 50 की रो देखेंगे तो आपको K1 मिलेगा 1। तो यहाँ से आप लोग का K1 का आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर, ये हमारा K1 हो गया, ये हमारा VB हो गया। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे VK2। अभी K2 के लिए आप लोग को देखना है टेबल नंबर 2 पेज नंबर 12। क्लियर, अभी पेज नंबर 12 पे आप लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे ये रहा हमारा टेबल नंबर 2। क्लियर, और टेबल नंबर 2 के लिए आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है टेरियन कैटेगरी दिया है एंड क्लास दिया हुआ है एंड हाइट, तीन चीज आप लोग को चाहिए इसके अंदर। देखो कौन सी चीज चाहिए, सबसे पहले तो हाइट चाहिए आप लोग को, फिर टेरियन कैटेगरी चाहिए आपको, टेरियन कैटेगरी चाहिए, फिर आपको चाहिए क्लास। क्लियर, हाइट आप लोग को दे दिया है क्वेश्चन में 10 मीटर हाइट है आपकी, टेरियन कैटेगरी यहाँ पे दिया है 2 और क्लास बी, टेरियन कैटेगरी 2 दिया है, क्लास बी दिया है और हाइट हमारी 10 मीटर है। तो इसके लिए हम लोग K2 देखेंगे, तो K2 के लिए टेबल नंबर 2 के अंदर जाके देखो तो 10 हमारा 10 कहाँ पे, तो देखो ये रहा हमारा 10 हाइट। क्लियर, टेरियन कैटेगरी 2, टेरियन कैटेगरी 2 मतलब ये रहा हमारा, और क्लास बी मतलब ये रहा। तो क्लास बी का कॉलम यहाँ पे देखेंगे और 10 की रो, तो आप लोग को यहाँ पे एक आंसर मिलेगा 0.98। देखो यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, K2। तो ये इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे K2 हमारा आ जाएगा, K2 इज इक्वल टू 0.98। क्लियर, और K3 के लिए आप लोग को ऑलरेडी दे दिया है, K3 आप लोग को कितना लेना है,
वन लेना है, क्वेश्चन में आप लोग को दे दिया है, क्लियर। अभी आप लोग को फाइंड आउट करना है वी जेड, तो वी जेड का फॉर्मूला है वी बी इंटू के वन इंटू के टू इंटू के थ्री। वी बी हमारा आया था 44, इंटू के वन इज इक्वल टू 1 आया, के टू इज इक्वल टू 0.98 आया, और के थ्री इज इक्वल टू भी हमारा कितना है 1 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 43.12 मीटर पर सेकंड। आप लोग भी कैलकुलेटर के में करके चेक कर लेना एक बार, कोई बार मिस्टेक हो सकती है, क्लियर। ये हो गया हमारा वी जेड। अभी इसके ऊपर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे पी जेड या तो फिर पी डी। कोई बुक के अंदर पी डी दिया है, कोई के अंदर पी जेड दिया हुआ है, सेम ही है। क्या होता है उसका मीनिंग, डिजाइन विन प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 0.6 वी जेड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कहाँ पे है, ये पेज नंबर 12 पे है, और मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा 0.6 इंटू 43.12 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा 111.56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा पी जेड, क्लियर। ये हम लोग को एक आंसर मिल गया, दो आंसर मिल गए। एफ में से आप लोग को एफ का फॉर्मूला है सी पी ई माइनस सी पी आई पी इंटू ए इंटू पी जेड, तो हम लोग को एरिया मिल गया है और पी जेड मिल गया है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे सी पी आई। अभी सी पी आई फाइंड आउट करने के लिए आप लोग को क्या चाहिए, तो सी पी आई दैट इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर कोफिशियंट, क्लियर, इंटरनल प्रेशर कोफिशियंट। अभी इंटरनल प्रेशर कोफिशियंट के अंदर आप लोग को क्या आएगा, तो ये हम लोग को मिलता है पेज नंबर 27 एंड 36, दो पेज है इसके लिए। यहाँ पे पेज नंबर 27 और 36 दो पेज से देखेंगे आप लोग, तो देखो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ पेज नंबर 27 और 36, और मैंने स्टेप में भी लिखाया है। देखो ये पेज नंबर हमारा 27 है, अगर मेरी परमिएबिलिटी 5% वॉल ओपनिंग हमारा लेस देन 5% है तो प्लस और माइनस 0.2 लेते हैं। और पेज नंबर 36 पे आप लोग जाके देखेंगे तो पेज नंबर 36 पे आप लोग को दिखेगा ये रहा 5 to 20% होता है तो प्लस और माइनस 0.5, और ग्रेटर देन 20% होता है तो प्लस और माइनस 0.7। तो यहाँ पे मैं हमारा जो परमिएबिलिटी है वो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि हमारा 18% है। परमिएबिलिटी कितनी परसेंट है, 18% परमिएबिलिटी, क्लियर। और 18% के लिए सीपीआई हमारा कितना होता है, प्लस और माइनस 0.5। ये हमारा हो गया सीपीआई, क्लियर। अभी मुझे फाइंड आउट करना है सीपीई। सीपीई मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशियंट, और ये कहाँ से फाइंड आउट होता है, तो पेज नंबर 16 टेबल नंबर 5 पे से फाइंड आउट होता है, क्लियर। अभी इसके अंदर क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को जैसे मैंने समझाया था क्या करना है, h बाई w फाइंड आउट करना है। h बाई w मतलब क्या होता है, हाइट डिवाइड बाई स्पान। तो हाइट हमारी कितनी है, हाइट हम लोग को दे दिया है 10 मीटर हाइट आपकी कितनी है, 10 मीटर हाइट, और स्पान जो है वो हमारा 12 है। तो 10 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.83, कितना आएगा 0.83। अभी आप लोग पेज नंबर 16 पे जाके देखेंगे तो आपको तीन केस है उसके अंदर, और उसके अंदर से हम लोग को कौन सा केस सिलेक्ट करना है उसके लिए पेज नंबर 16 पे जाके देखना पड़ेगा आपको। देखो ये रहा पेज नंबर 16, क्लियर। ये जो हमारा फर्स्ट केस है एच बाई डब्ल्यू लेस और इक्वल टू वन हाफ मतलब 0.5 होता है, कितना होता है ये 0.5 है, लेस देन 0.5। फिर ये 0.5 और 1.5 के बीच में, तो हमारा जो आंसर है वो 0.8 आया, मतलब 0.5 से ज़्यादा है और 1.5 से कम है, ये दोनों के बीच में है, तो हमारा कौन सा केस आएगा, केस नंबर 2, क्लियर। तो यहाँ पे मैं केस नंबर 2 सिलेक्ट करता हूँ, हम लोग को कौन से केस में देखना है, केस नंबर 2 के अंदर। अभी आगे आप लोग को क्या करना है, केस नंबर 2, और यहाँ पे आप लोग को देखना क्या है, तो अल्फा का काम है, किसका काम है, अल्फा जो हम लोग ने प्राइमरी कैलकुलेशन के अंदर किया है। तो अल्फा हमारा था 25.78%, ये हमारा कितना था, अल्फा था। अभी हम लोग को क्या करना है आगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे आप लोग को देखना है, तो ये क्या है, डिग्री
देखो 0, 5, 10, 20, 30, 45, 60 ये हमारी क्या है, अल्फा है, और अल्फा लिखना है। और यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा है, ई एफ और जी एच साइड विन एंगल थीटा इक्वल टू 0 एंड विन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए ई जी और एफ एच साइड है। अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, अल्फा देखना है। तो हमारा जो अल्फा है केस नंबर टू के अंदर, अल्फा किस किस के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा आपका अल्फा, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले विंड एंगल थीटा इक्वल टू 0 के लिए हम लोग करेंगे, विंड एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए करेंगे, क्लियर। और 0 डिग्री के लिए आप लोग अंदर देखेंगे तो आपके पास दो साइड है, कौन सी साइड है, एक है ई एफ साइड और दूसरी है हमारी जी एच साइड। ये कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं टेबल में से ही लिख रहा हूँ, बराबर। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटरपोलेशन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो एंगल है वो कितना है, हमारा एंगल 25 है, कितना है 25, और 25 किसके किसके बीच में आता है, तो 20 और 30 के बीच में आता है। तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ और 30 लिख देता हूँ, इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। ये अच्छे से सीख लेना और आगे जाके आगे के चैप्टर में भी आप लोग को काम आएगा, 20 और 30। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा 20 के लिए कितना आंसर है, तो 20 के लिए आप लोग देखेंगे तो -0.7 है और 30 के लिए है -0.2, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -0.7 और -0.2, क्लियर। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा है, एक मिनट, हाँ CPE, बराबर CPE के लिए। अभी क्या करूंगा मैं, इसके अंदर डिफरेंस निकालूंगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, तो 10 का डिफरेंस है। अभी इसके अंदर माइनस साइन मत देखो, माइनस साइन अभी मत देखो, खाली ये दोनों का डिफरेंस देखो। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.5 का है, कितना है 0.5 का डिफरेंस है, क्लियर। अभी 0.5 का डिफरेंस है तो आप लोग को थोड़ी जगह छोड़ के क्या करना है, फिर से एक बार 20 लिख दो, 20 के लिए कितना है 0.7, तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह छोड़ के लिख देता हूँ 20 के लिए -0.7, क्लियर। अभी मुझे लाना कितना है, तो 25.78, तो 20 के अंदर मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 5.78 मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 5.78, तो आप लोग इसका टोटल करेंगे तो 25.78 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा वो हम लोग को नहीं मालूम है, तो ये जो आंसर है उसको 10 के नीचे लिख दो। तो यहाँ पे 5.78 पे कितना, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 0.5 × 5.78/10 करो, तो आप लोग को आंसर मिलेगा कुछ ना कुछ, और ये जो आंसर है वो आपका आएगा 0.289 आएगा, कितना आएगा 0.289, तो 0.289 वाला जो आंसर है उसको यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.289, क्लियर। अभी यहाँ पे ये माइनस साइन तो निकाल ही देनी है, माइनस साइन निकाल लो। अभी आप लोग ऊपर देखेंगे तो आपके ऊपर देखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 0.7 है, 0.7 के बाद 0.2, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मुझे ये जो आंसर है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा 0.7 − 0.289, तो यहाँ पे CPE = −, तो बाहर रहेगा ही, और C 0.7 − 0.289 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा −0.411, ये हमारा आंसर नंबर 1 हुआ, क्लियर, CPE का आंसर नंबर 1। अभी मुझे फाइंड आउट करना है, कंटिन्यू है ये, देखो यहाँ पे आप लोग का कंटिन्यू है ये। अभी मुझे क्या करना है, जी एच साइड के लिए करना है, तो जी एच साइड के लिए भी सेम मैं क्या करूँगा, 20 के लिए और 30 के लिए दोनों के लिए वैल्यू लिख देता हूँ टेबल नंबर 5 में से। तो आप लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये -5 है, ये भी -5 है, तो यहाँ पे अगर सेम वैल्यू आती है −0.5 − 0.5, अगर सेम वैल्यू आती है तो आपका CPE डायरेक्ट मिलता है −0.5, ये हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया विन एंगल थीटा इक्वल टू 0 के लिए। अभी मुझे फाइंड आउट करना है विन एंगल थीटा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए।
क्लियर। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए कौन सी साइड है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे आप लोग, देखो यहाँ पे, तो इसी को कंटिन्यू करते जाना है ये, क्लियर। तो यहाँ पे साइड कौन सी आएगी, तो देखेंगे आप लोग ऊपर जी ई जी और एफ एच, ई जी और एफ एच साइड। तो यहाँ पे विन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा ई जी साइड एंड एफ एच साइड, क्लियर। और ईजी साइड के लिए आप लोग 20 के लिए और 30 के लिए वैल्यू लिखेंगे, तो वो कितनी है, -0.8 -0.8 सेम है। और एफ एच के लिए देखेंगे तो 20 और 30 के अंदर वैल्यू है आपकी, देखो यहाँ पे, ये देखो 0.8 0.8, -0.6 0.8, -0.6 0.8, अलग अलग वैल्यू आती है तो इंटरपोलेशन करना है। अगर अलग अलग नहीं आएगी, सेम वैल्यू आएगी, तो आप लोग को डायरेक्टली आंसर मिलेगा। तो इसके अंदर हम लोग का आंसर नंबर 3 हो जाएगा, -0.8। अभी सेम चीज़ जैसे मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे एफ एच के अंदर दोनों आंसर हमारे कैसे हैं, अलग अलग है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। और इंटरपोलेशन करने के लिए क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे 10 का डिफरेंस निकाल लो, माइनस साइन नहीं देखना है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर। अभी थोड़ी जगह छोड़ लो आप लोग, थोड़ी जगह छोड़ के क्या करेंगे हम लोग, 20 का आंसर फिर से लिख देंगे। यहाँ पे 20 पे हमारा कितना है, तो 20 पे है हमारा -0.6, कितना है -0.6। अभी 20 के अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 5.78, क्योंकि हमारा अल्फा जो है वो 25.78 है इसके लिए, तो 5.78 को कहाँ लिखेंगे, इसको 10 के नीचे लिख दो, 5.78 पे कितना, तो इसके अंदर हम लोग को आंसर मिलेगा, देखो 0.2 × 5.78 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.116 जितना आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा 0.116। अभी ये जो 0.116 आएगा उसको यहाँ पे लिख दो 0.116। अभी ये दोनों के अंदर ये माइनस साइन तो निकाल ही देना है, अभी क्या करना है, यहाँ पे 0.6 और 0.116 के बीच में प्लस करना है कि माइनस करना है, वो कहाँ से मालूम पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोग को ऊपर दिखाया, ये दो वैल्यू को देखना है, देखो यहाँ पे 0.6 है फिर 0.8, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बीच में प्लस करना पड़ेगा, तो 0.6 प्लस 0.116 करेंगे तो आपको CPE का आंसर मिलेगा -0.716, मतलब आपके पास चार आंसर आए। देखो ये आंसर नंबर 3 है, ये हमारा आंसर नंबर 4 है। यहाँ पे देखो फर्स्ट आंसर हमारा कौन सा था, ये रहा -0.411, सेकंड आंसर हमारा -0.5 था, थर्ड आंसर मेरा -0.8 है, और फोर्थ आंसर मेरा 0.716 है। तो इसमें से मैक्सिमम जो आंसर होता है वो हमारा CPE का होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CPE, देयरफॉर CPE इज इक्वल टू माइनस आएगा हमारा 0.8, कितना आएगा -0.8, ज़्यादातर हमारा आंसर 0.8 ही होता है, याद रखना ये, क्लियर। कोई बार क्या होता है, एग्जाम्पल्स के अंदर मार्क्स कम दे देते हैं और CPE आपको वैल्यू दे देते हैं, और CPE के अंदर आप लोग को चार वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से एक बार देख लो इंटरपोलेशन कैसे किया, H/W किया मैंने, केस टू कहाँ से आया, तो H/W की वैल्यू जो है वो 0.8 है, इसके लिए मैंने केस टू लिया है, अल्फा की वैल्यू देखना है 25.78, पहले मैंने विन एंगल थीटा इक्वल टू 0 के लिए किया है, उसके अंदर दो EF साइड और GH साइड, और हमारा जो अल्फा है वो 20 और 30 के बीच में है, इसके लिए मैंने 20 और 30 के लिए लिखा है, और इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, -0.7 -0.2, 10 के आगे डिफरेंस मेरा आया 0.5, क्लियर। अभी थोड़ी जगह छोड़ के क्या करो, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये 20 मैंने लिख दिया, 20 पे -0.7 है, अभी 20 के अंदर कितना ऐड करेगा, तो मेरा आंसर 25 होगा, तो 5.78 करना है, तो 5.70 ऐड करेंगे तो 78 करेगा तो 25 हो जाएगा, ये 5.78 पे कितना डिफरेंस है वो हम लोग को नहीं मालूम, तो उसको मैंने 10 के नीचे लिख दिया, और इसके लिए मैंने डिफरेंस डिराइव कर लिया, और ये जो आंसर आया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मेरा आंसर आ गया -4.11।
क्लियर। इसी तरह अगर मेरे पास दूसरा जो आंसर है वो सेम है, देखो यहाँ पे 20 और 30 की वैल्यू सेम है, तो उसके लिए इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा आंसर अलग अलग होगा तो ही मुझे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये यह हो जाएगा इंटरपोलेशन, फिर से सेम प्रोसेस। क्लियर। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा -0.8। अभी मेरे पास सभी वैल्यू अवेलेबल है, CPE, CPI सभी चीज़ की वैल्यू है। अभी मेरे पास F का जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ। F का फॉर्मूला है CPE माइनस CPI A इंटू PZ। ये हमारा इक्वेशन था, मेन इक्वेशन। अभी मेरा CPE की वैल्यू कितनी आई, तो -0.8 आया। CPI का आंसर था मेरा +0.5, तो मैंने +0.5 लिख दिया। अभी जो एरिया है, एरिया कौन सा लेना है, स्लोप एरिया, तो वो कितना है 19.98 हमारा स्लोपिंग एरिया है। और PZ इज इक्वल टू 1115.6 हम लोग ने डिराइव किया था वो। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो -0.8 -0.5 करेंगे तो -1.3 आएगा, इंटू 19.98 इंटू 1115.6। क्लियर। अभी इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, -28976.60 न्यूटन। ये हमारा F का आंसर आ गया। क्लियर। अभी ये जो F है उसके अंदर माइनस साइन निकाला है, देखो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट नेगेटिव साइन, यहाँ पे लिख देना है नेगेटिव साइन इंडिकेट सक्शन, ये लिख देना है आपको। क्लियर, बाजू में। अभी आप लोग को ये जो लोड मिला, विन लोड, क्लियर, तो विन लोड हम लोग को कितनी पैनल का मिला, ये टोटल एक साइड हमारी कितनी पैनल है, 4। तो ईच साइड ऑफ रूफ ट्रस देर आर 4 नंबर ऑफ पैनल्स। क्लियर। तो 4 नंबर्स ऑफ पैनल है, इसके लिए मुझे ये जो आंसर आया मेरा 28 विन लोड पर पैनल पॉइंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो 28976.6 डिवाइड बाय 4 करना है, क्योंकि एक साइड मेरी 4 पैनल है। तो आपका आंसर आ जाएगा 7244.14 न्यूटन। क्लियर। अभी इसको मैं किलोन्यूटन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो डिवाइड बाय 1000 कर दो तो 7.24 किलोन्यूटन, ये हमारा पर पैनल का लोड आ गया, विन लोड। क्लियर। और यहाँ पे विन लोड पर फुल पैनल पॉइंट वो हो जाएगा हमारा 7.24 किलोन्यूटन, एंड विन लोड पर हाफ पैनल पॉइंट हो जाएगा 7.24 डिवाइड बाय 2। तो 7.24 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3.62 किलोन्यूटन हमारा आंसर आएगा। क्लियर। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया इधर। क्लियर। अभी यहाँ पे हमारा डेड लोड जो आया था वो लिख देता हूँ मैं, 1.75 किलोन्यूटन आया था, उसका जो एरो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। लाइव लोड हमारा आया था 1.30 किलोन्यूटन, वो भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और जो हमारा विन लोड आया वो है हमारा 7.24 किलोन्यूटन, और इसके लिए जो एरो होगा वो इनक्लाइंड में होगा। क्लियर। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ। अगर ये एग्जांपल आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी रूफ ट्रस का एग्जांपल है, यही स्टेप उसके फॉलो होते हैं, खाली वैल्यू चेंज होती रहती है। क्लियर। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ। फिर से एक बार विंड लोड को देख लो कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, एक बार रिविजन करवा लेता हूँ। देखो ये जो डिटेल है वो मेरे को दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। लोकेशन हमारा आनंद है, परमिएबिलिटी हमारी है 18%, लाइफ है 50 इयर्स, क्लास कैटेगरी टेरियन कैटेगरी 2 क्लास बी है, और हाइट हमारी 10 मीटर है। क्लियर। और K3 इज इक्वल टू 1 है, और F का फॉर्मूला मैंने पेज नंबर 13 से लिखा है, ये CPE माइनस CPI A इंटू PZ। PZ का फॉर्मूला मैंने पेज नंबर 12 से लिखा है, 0.6 VZ स्क्वायर, और VZ का फॉर्मूला पेज नंबर 8 पे है, VZ इज इक्वल टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। और VB के लिए आप लोग को क्या होगा, कोई भी एग्जाम्पल होगा, लोकेशन दे दिया होगा आप लोग को, लोकेशन देखना है, और वो लोकेशन को आप लोग को पेज नंबर 53 पे जाके देखना है, एनेक्सर 1 में। क्लियर। एनेक्सर A के अंदर तो आप लोग को बेसिक विंड स्पीड मिल जाएगी, यहाँ पे 44 आया है मेरा।
K1, K1 क्या है? तो रिस्क कोफिशिएंट, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो चीज पे, एक VB पे और एक लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर पे, और लाइफ हम लोग को 50 दिया है, तो टेबल नंबर 1 के अंदर आप लोग ने देख लिया तो मेरा आंसर 1 आया। आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। K2 इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर है हमारी टेरियन कैटेगरी 2 क्लास बी, और इसको मैंने टेबल नंबर 2 के अंदर देखा पेज नंबर 12 पे से, और आपको आंसर मिल गया 0.98। और K3 के लिए आप लोग को क्वेश्चन में ही दिया है K3 इज इक्वल टू 1, ज्यादातर K3 हमारा 1 ही होता है क्योंकि हमारा जो ग्राउंड होता है वो लेस देन हमारा 3 डिग्री होता है इसके लिए। फिर मैंने सभी आंसर को VZ के अंदर रख दिया तो VZ का आंसर मिल गया, फिर वही आंसर को VZ के आंसर को मैंने PZ के अंदर रख दिया तो मुझे PZ का आंसर मिल गया। फिर बाद में मैंने CPE फाइंड आउट कर लिया, CPE के लिए मुझे 18% परमिएबिलिटी दिया है, उसके लिए मेरा आंसर आएगा प्लस और माइनस 0.5। CPE फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? H/W फाइंड आउट करना है। उसके अंदर आप लोग ये आंसर को देखेंगे तो आपका यहाँ पे मेरा केस 2 आया है, आपको जो केस आएगा उसके अंदर आप लोग को देखना है। यहाँ पे केस 2 आया तो अल्फा इज इक्वल, इसका अंदर अल्फा देखना है तो अल्फा का आंसर मेरा 25.78 है। विन एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए दो साइड है, EF साइड और GH साइड, और यहाँ पे 20 और 30 के बीच में हमारा एंगल है। यहाँ पे इंटरपोलेशन आप लोग को करना ही पड़ेगा CPE के अंदर, क्लियर? तो 20 और 30 के बीच में हमारा आंसर आया 0.7 और 0.2, और 10 के आगे मेरा डिफरेंस आ गया 0.5। थोड़ी जगह छोड़ के फिर से 20 लिख दो ये, फिर उसका 20 के आगे मेरा है माइनस 0.7। 20 के अंदर मुझे कितना ऐड करेंगे तो मेरा आंसर होगा 25.78, तो 5.78 करेंगे तो 25.78 होगा, तो 25 को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिल जाएगा। देखो 5.78 के आगे हमारा आंसर आया 0.289, क्लियर? उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, माइनस साइन तो निकाल ही देना है बाहर, फिर ये दोनों का प्लस करना है क्या माइनस करना है वो कहाँ से मालूम पड़ेगा? ऊपर से। आप लोग को ऊपर आप लोग वैल्यू देखेंगे तो आपका आंसर है एक 0.7 और एक 0.2, तो यहाँ पे 0.2 मतलब कम हो रहा है तो यहाँ पे मैंने माइनस किया है, ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। फिर GH साइड के लिए दोनों आंसर सेम है तो उसके अंदर इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर विन एंगल 90 डिग्री के अंदर EG साइड और FH साइड दोनों, इसके अंदर भी आंसर सेम है तो इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग को इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो सेम चीज जैसे मैंने यहाँ पे किया है, 5.78 पे डिफरेंस हम लोग को मिला 0.116, 5.78 ऐड कर लिया तो 25.78 हो गया। अभी यहाँ पे ये दो आंसर देखेंगे तो बढ़ रहा है आंसर, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस किया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.716, ये आंसर नंबर 4। चारों में से आप लोग मैक्सिमम आंसर देखेंगे तो हमारा CPE होगा 0.8, क्लियर? ये सभी आंसर को मैंने F के अंदर रख दिया, CPE माइनस CPI, A into BZ माइनस 0.8, माइनस 0.5, 19.78, 111, 5.6, ये हमारा PZ है, सभी वैल्यू को रख दिया, सॉल्व कर लो इसको तो ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा। और नेगेटिव साइन जो वो क्या इंडिकेट करती है? हमारा सक्शन इंडिकेट करती है। अभी ये जो हम लोग को मिला वो टोटल 4 नंबर्स का लोड मिला, क्लियर? एक साइड हमारी 4 पैनल है तो 4 पैनल का लोड मिला, 4 पैनल का, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हम लोग को एक पैनल का लोड मिल जाएगा, वो हमारा 7.24। फुल पैनल पे हमारा आएगा 7.24, और हाफ पैनल पे डिवाइड बाई 2 कर लो तो हमारा हाफ पैनल का लोड मिल जाएगा। ये जो है वो मैंने फाइनल समरी लिखी है एग्जाम्पल के अंदर। मेरा अगला जो वीडियो है इसके अंदर मैंने डेड लोड लाइव लोड फाइंड किया है, और ये वीडियो के अंदर मैंने विंड लोड डिराइव करवाया है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो तो अगले चैप्टर्स के वीडियो भी आप लोग को मिल जाएंगे। और ये एक एग्जांपल आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ये एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो इसका समरी के अंदर क्या है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो स्पान हमारा 12 है, राइज हमारा 2.5 है। आप लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये हमारा राइज है 2.5, क्लियर? स्पान है हमारा 12 मीटर, क्लियर? टोटल नंबर्स ऑफ पैनल कितनी है? 8 है। तो आप लोग को जैसे मैंने आप लोग को समझाया, 8 टोटल नंबर्स ऑफ पैनल आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्लियर? लाइफ है 50 इयर्स। फिर यहाँ पे आप लोग को सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे दो चीज़ के अंदर आप लोग ध्यान देना है, कौन सी चीज़ के अंदर ध्यान देना है वो आप लोग देख लो तो आप लोग को नेक्स्ट ये जो एग्जांपल खुद ट्राई करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्लियर? डेड लोड और लाइव लोड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से कर पाएंगे डेड लोड और लाइव लोड और प्राइमरी कैलकुलेशन।
पर जब भी आप लोग विन लोड डिराइव करेंगे तो विन लोड के अंदर आप लोग को यहाँ पे टेरियन कैटेगरी जो कैटेगरी है ना वो आप लोग को दे दिया है। देखो कैटेगरी जो है आप लोग को 3 दिया है पर क्लास नहीं दिया है, तो क्लास के लिए आप लोग को यहाँ पे लेंथ देखना है। क्या करना है? लेंथ देखना है। क्या करना है? लेंथ। और लेंथ आप लोग को दे दिया है 20 मीटर दे दिया है, देखो ये। और मेरे जो स्टेप्स वाले वीडियो है उसके अंदर मैंने ये समझाया है कितना लेना है वो, क्लियर। ये चीज़ आप लोग को आ जाएगा। फिर जब आप लोग डेड लोड फाइंड आउट करेंगे तो डेड लोड फाइंड आउट करेंगे उसके अंदर जो वेट ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल होता है, वेट ऑफ पर्लिन होता है, वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग होता है और वेट ऑफ सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर आप लोग को 3 चीज दे दिया है ऑलरेडी। देखो वेट ऑफ रूफ कवरिंग तो 130 दे दिया है तो 130 ही लेना पड़ेगा आपको। फिर वेट ऑफ पर्लिन 100 दे दिया है तो आप लोग को 100 ही लेना पड़ेगा। और सेल्फ वेट, ये वेट ऑफ ट्रस है ना, मतलब सेल्फ वेट आप लोग को दे दिया है 100, तो आप लोग को सेल्फ वेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप लोग 100 ले लो। खाली आप लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, विंड ब्रेसिंग एज्यूम करना पड़ेगा, क्लियर। और ये आप लोग को अगर सॉल्व करेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे तो मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा दूंगा, क्लियर। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग कर पाएंगे एग्जांपल। अगर समझ में नहीं आता तो स्टेप्स के वीडियो देख लो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्लियर। थैंक यू।